पूरा भरा हुआ, पूरा अंदर इसमें ईंट है भाई, सब ईंट भरा हुआ है इसके अंदर, पूरे में ईंट भरी हुई है। वो दिखाई दे रहा होगा अपना भाई, वो पूरा खाली है भाई। रही बात ये झुग्गी की, बता दूँ आपको भाई मैं, ये झुग भाई आग को बंद कर दिया जाता है भाई, और इसी के साथ भाई भट्ठा भी बंद हो जाता है। इस तरीके से अपना घूमने फिरने का कहीं रास्ता है नहीं भाई, उनको डोम बोलते हैं भाई, पता होगा आपको। 20 लाख ईंट तो कभी कम से कम अंदर हैं भाई, और 10-12 लाख बाहर ही पड़ी हैं भाई। तो और इसी प्रकार से भाई भट्ठा चलता है। ऊपर से भट्ठा वो दिखा दी भाई आपने एक बार, ये देखिए भाई। नमस्कार भाई, कैसे हो आप सब भाई? भाई आज की वीडियो में स्वागत है आज आपका भाई। भट्ठे पे आए थे फिलहाल भाई, तो भाई भट्ठे पे दिखा दूँ क्या कुछ कंडीशन चल रही है भट्ठे पे। बता भाई आपने, बारिश तो हो चुकी है बढ़िया वाली, और लेबर भी घर पर जा चुकी है भाई सब, और कच्ची ईंटों के लिए पसार हैं भाई ये अपने, तो इन मौसम में भाई पानी भरा हुआ है, घूमने फिरने का कहीं रास्ता है नहीं भाई। दूसरी बात भाई, मिट्टी डलवा चुके हैं भाई, पहले बारिश होने से पहले मिट्टी डलवा ली थी भाई, अभी जैसे 2-3 महीने के बाद लेबर आएगी तो भाई कार देनी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी अपनी, नज़दीक में ही है कार भी अपनी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो पसंद आए तो भाई, पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दे भाई दोस्तों। एक दूसरी चीज़ और दिखा दूँ अपना भाई, कि भाई भट्ठा तो हो चुका है बंद, आपको पता होगा भाई 1.5-2 महीना हो गया तकरीबन बंद हुए हुए, बाकी बाहर माड़ है अभी, ईंट बहुत पड़ी है बाहर अपने पास है अभी माड़। और भट्ठा दिखा दूँ अपना भाई अंदर से किस प्रकार से भाई, आग बंद हो चुकी है फिलहाल, ये देखिए भाई दिखा दूँ अपने भाई। निकासी हुई थी यहाँ तक, निकासी हुई थी अपनी भाई, लास्ट निकासी यहाँ तक हुई थी, उसके बाद जलाई अपनी घूम के वहाँ तक उस साइड, चारों साइड तक घूम गए, यहाँ तक आ गए थे भाई जलाई करते करते। तो भाई ये हैं जैसे होल हैं दोनों, उनमें से खिंचाव होता है, ऐसा ही होल है यहाँ पर खींचता है, तो खींचता तो यहाँ से आगे और आगे तक, यहाँ तक सारी ईंट पक जाती है आगे तक। अब इसके आगे ईंट तो है नहीं, इसलिए भाई ये लगाना पड़ता है, अगर कच्ची ईंट होती तो आगे हम और भराई कर सकते थे भाई, भराई करने के बाद फिर अपना भाई खिंचाई यहाँ पर हो जाती, अंदर से भराई होती रहती है, खिंचाई होती रहती है भाई, लेकिन अब भराई नहीं है तो भाई इसके अंदर से ही खिंचाई होगी भाई, अब ये ऐसा होता भाई। और इसी प्रकार से भाई भट्ठा चलता है। बाकी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो भाई कमेंट करके बता दियो भाई, दूसरी वीडियो बना देंगे अच्छे से दोबारा बता देंगे, कोई जानकारी कम रहेगी होगी तो कमेंट करके जरूर बताएंगे आपकी भाई। ऊपर से भट्ठा वो दिखा दी भाई आपने एक बार, ये देखिए भाई बंद हो रखा है पूरा भट्ठा, ये देखिए भाई ऊपर से बिल्कुल सब बंद है भाई, एक वहाँ जाके ही खाली अपना खाली एरिया है, बाकी नहीं तो सब फुल है, देख लो भैया चारों साइड देख लो, पूरा वहाँ से लेके वहाँ तक पूरा भरा हुआ, पूरा अंदर ही इसमें ईंट है भाई, सब में ईंट भरा हुआ है इसके अंदर, पूरे में ईंट भरी हुई है। पर एक वो एरिया है ना जो, वो दिखाई दे रहा होगा अपना भाई, वो पूरा खाली है, ठीक है। तो यहाँ ये तो भाई खाली रखना पड़ता है इतना तो भाई, बाकी नहीं तो पूरा चमचे के अंदर फुल भरा है अपना भाई, ये ईंट होगा, ये देखिए भाई यहीं से ही है भाई, जो लास्ट है जो आग ख़त्म होती है यहीं पे आगे ख़त्म होती है, क्योंकि इसमें आगे कच्ची भराई की नहीं हो रखी, तो इस कारण भाई ये होल बनाया जाता है लास्ट में, ताकि आग को यहाँ पे बंद किया जा सके। ये चैम्बर पकने के बाद जैसे पकते हैं भाई, आग को बंद कर दिया जाता है भाई, और इसी के साथ भाई भट्ठा भी बंद हो जाता है इस तरीके से अपना। बाकी भाई आप चारों साइड देख सकते हो भाई, वो दोनों डोम रखे हुए हैं, उनको डोम बोलते हैं भाई, पता होगा आपको, अगर नहीं पता तो भाई मेरी पहले वाली वीडियो है और भी उन्होंने बता रखा है सब कुछ, जानकारी दे रखी भाई पूरी। ये डोम है भाई, और ये अपना भाई पूरा देखो भाई, ईंट भरी हुई इसके अंदर पूरे के अंदर भट्ठे के अंदर, ये ईंट भरी हुई है भाई, और ये सीढ़ी लगाई थी, क्यों लगाई थी ये आपको बता दिया, पहली वीडियो में बता दिया था भाई आपको,
उसकी डिक्यू लगवाई थी और ये आपको इंजन दिखा दूँ भाई मैं। बारिश के कारण बुरा हाल हो गया, पूरा कंडीशन बिल्कुल ख़राब होगी यहाँ की भी भाई। और इंजन भी इसके साथ साथ बंद कर दिया गया भाई, इंजन भी बंद है फिलहाल, इंजन में कोई दिक्कत नहीं है तो ये भी बंद कर रखे हैं दोनों भाई। जैसे स्टार्ट होंगे भाई इसकी सर्विस करके इसको चालू कर दिया जाएगा भाई। ये देखिए भाई बंद कर दिए गए अभी फिलहाल, और भट्ठा भी बंद कर दिया भाई। भाई रही बात ये झुग्गी की, बता दूँ आपको भाई मैं, ये झुग्गी जलाई वालों के लिए होती है भाई, जो जलाई करते हैं ऊपर भट्टी के ऊपर चिमनी पर जो जलाई करते हैं, जो ईंटों को पकाते हैं उनके लिए भाई ये बनाया जाता है भाई, स्पेशल उन्हीं के लिए होता भाई ये, क्योंकि उनको बार बार नीचे नहीं जाना पड़ता, उनका ऊपर रहने का होता है क्योंकि उनका ऊपर ही काम होता है सारा भाई, उनका कोई काम नीचे जाने का कोई ज़रूरत नहीं है उनको, तो इसीलिए भाई उनको ऊपर ही रखा जाता है और ऊपर ही उनकी झुग्गी बनाई जाती है भाई, ठीक है, ताकि उनकी टाइम की वेस्टेज है वो ना हो, इसलिए भाई ये झुग्गी है जो ऊपर बनाई जाती है उसके लिए। और ये साइड में भाई दूसरा भट्ठा है अपने भाई, ये देखिए भाई साइड में उसने मिट्टी बची हुई, उसकी भाई की पिछले साल की मिट्टी बची हुई है, और ये अपना है भाई भट्ठा इस साइड, वहाँ से लेंगे इस साइड तक अपना भट्ठा ही है भाई। और बाकी चार साड़ी ईट दे सकते हो भाई आप, ईट तो फुल है भाई अपने भट्ठे पर, तकरीबन 20 लाख ईट तो अंदर है अपने भाई, 20 लाख ईट तो कभी कम से कम अंदर है भाई, और 10-12 लाख बाद ही पड़ी है भाई, तो तकरीबन 30-35 लाख ईट अपने पास है फिलहाल। Thank you.